जितने भी मीडिया के लोग आए हुए हैं, मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि ये इतने शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने हमारे को टाइम दिया। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराने का ये हमारा ये मकसद था कि आज हम एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम जम्मू युवा संगठन है, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि ये सभी को पता होगा कि हम पहले किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आज एक यूनानिमस डिसीजन हुआ है हमारे जो हमारा कोर ग्रुप था कि एक नॉन पॉलिटिकल फेस हमने आगे लाना चाहिए। जैसे कि एक एरा चल रहा है जम्मू के अंदर, जो ज़मीनी हालात हैं जो हमारे खास करके जम्मू प्रोविंस के लिए, यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ को रेज करने के लिए एक नए हमने हमारा एक प्रपोजल आया है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं हो और जो ज़मीनी हालात जो हैं जम्मू के, उसकी उन डिमांड्स के लिए उसको ज़ोर शोर से उठा सके। आज ये यहाँ पर जो जम्मू युवा संगठन है, इसका जो कोर मोटिव है वो टोटली जम्मू सेंट्रिक रहेगा। इसमें जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स और पर्टिकुलरली यूथ को इसके ऊपर हमारा पूरी तरीके से फोकस रहेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारा जो कोर एजेंडाज हैं उसमें से सबसे बड़ा एजेंडा हमारा ये रहेगा कि जो डोगरा सर्टिफिकेट, यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े वादे किए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज जैसे डोगरा सर्टिफिकेट का इशू है, जैसे टोल प्लाजा का इशू है, जैसे हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर स्टूडेंट्स को बेसिक फैसिलिटीज़ की जो ज़रूरत है, जो हमारी लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, इन इश्यूज़ के ऊपर बोलने के लिए मुझे ये लगता है जब बोलने की बात आती है तो बड़ी बड़ी जमातें पीछे हट जाती हैं और एकदम दे आर द म्यूट स्पेक्टेटर्स। तो हमें ये फील हुआ कि यहाँ पर एक नई ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जिसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं हो और वो ज़मीनी तौर के ऊपर इन इश्यूज़ के ऊपर काम करे। मैं आपको पहले भी बताया कि जैसे डोगरा सर्टिफिकेट, ये जो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये पूरी तरीके से जो जम्मू प्रोविंस के ऊपर फोकस करेगी, क्योंकि पहले भी ऐसा एक कल्चर रहा है कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च हुई हैं लेकिन जब ज़मीन के ऊपर काम करने की बात आती है तो वो पेपर्स के ऊपर ही ऑर्गेनाइजेशन रही हैं। लेकिन जो हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग रहा है, मुझे लगता है कि काफ़ी लोग हमारे स्टाइल ऑफ वर्किंग को जानते हैं कि हमने बड़ा एग्रेसिवली हर एक एजिटेशंस को, हर एक इश्यूज़ को रेज किया है। तो आज चूँकि हमारी यूटी बन गया है जम्मू और कुछ हालात ऐसे हैं जो हमें लगता है कि यहाँ पर जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको उठाने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी और है कि जो फुल फ्लेज तरीके से विदाउट एनी ब्रेक्स काम कर सके और इन इश्यूज़ को उठा सके। अब मैं डोगरा सर्टिफिकेट की बात करूँगा कि जैसे कि ये हमारा कोर एजेंडा रहेगा सबसे बड़ा कि डोगरा सर्टिफिकेट, ये हमारी डोगरों की जो आइडेंटिटी थी, पहले भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस इशू को उठाया लेकिन डोगरा सर्टिफिकेट को जब उसके ऊपर काम करने की बारी आई तो ऐसा लगा कि हर जगह मिस हो जाती हैं उनके वो एजेंडास। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस इशू को सबसे ऊपर लेके चलेगी, उसी के साथ साथ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, हमारा ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करने का ये एजेंडा था कि चूंकि एक बहुत बड़ा चेंज आया है स्टेट के स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वो कश्मीर सेंट्रिक है, जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो कश्मीर सेंट्रिक बनाई जा रही हैं, जो भी फंडिंग हो रही है वो मैक्सिमम कश्मीर में हो रही है। तो इन इश्यूज़ को रेज करने के लिए मुझे हमें